खबर है मिर्जापुर से। नवरात्रि के पांचवें दिन माँ दुर्गा जी के पांचवें स्वरूप का स्कंद माता की आराधना की जाती है। भगवान स्कंद कार्तिकेय की माता होने के कारण देवी के इस पांचवें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। स्कंद मात्र स्वरूपिणी देवी की चार भुजाएं हैं, जिसमें देवी अपनी ऊपर वाली बाई भुजा में बाल कार्तिकेय को गोद में उठाई हुई हैं और नीचे वाली दाई भुजा में कमल पुष्प ली हुई हैं। ऊपर वाली बाई भुजा से इन्होंने जगत तारण वरदा मुद्रिका बनाई हुई है, वह नीचे वाली बाई भुजा में कमल पुष्प है। इनका वर्ण पूर्णतः शुभ्र है और ये कमल के आसन पर विराजमान करती हैं, इसीलिए इन्हें पद्मासन देवी भी कहा जाता है। सच्चे मन से पूजा करने पर स्कंद माता सभी भक्तों की इच्छाओं को पूर्ति करती हैं और कष्टों को दूर करती हैं। संतान प्राप्ति के लिए माता की आराधना करना उत्तम माना गया है। माता रानी की पूजा के समय लाल कपड़े में सुहाग का सामान, लाल फूल, पीले चावल और एक नारियल को बांधकर माता की गोद भर दें। ऐसा करने से जल्द ही घर में किलकारियां गूंजने लगती हैं। स्कंद माता मोक्ष का मार्ग दिखाती हैं और इनकी पूजा करने से ज्ञान की प्राप्ति भी होती है। माता का यह स्वरूप ममता की मूर्ति, प्रेम और वात्सल्य का साक्षात प्रतीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूरज कुमार। माँ भगवती का दर्शन करके मेरे शरीर मनोरथ पूर्ण हुए और ये सौभाग्य मुझे मिला कि इस दिव्य भव्य धाम में मैंने अपनी हाजिरी लगाई। माँ की कृपा हम सब पर बनी रहे हमेशा और ऐसे ही हमारा प्रदेश और देश विकास के पथ पर बढ़ता रहे। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे कि इतना बढ़िया चौड़ीकरण हुआ है और कॉरिडोर बना है, किसको कह देंगे? इस भव्यता को शब्दों में आप बखान नहीं कर सकते हैं। जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके मन में जो भाव इकट्ठा हो रहे हैं और जो भाव लेके जा रहे हैं वो अविस्मरणीय है। उसमें सबके श्रद्धालुओं का जो सुविधा का ध्यान रखा गया, इससे जो है इस धाम की महिमा और बढ़ गई है। मंदिरों का विकास किया जा रहा है, इसको किसको श्रेय देंगे? मंदिरों के विकास के लिए तो निश्चित रूप से इस सरकार का बहुत बड़ा योगदान है और यही नहीं, हर धाम के विकास के लिए सरकार संकल्प है और श्रद्धालुओं के लिए जिस तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं वो निश्चित रूप से सराहनीय और प्रशंसनीय है। आज नवरात्र का पांचवा दिवस है, पंचमम स्कंद माते थी। आज के दिन भक्त स्कंद माता के रूप में भगवती का पूजन करते हैं। आया है कि सिंहासन गता नित्यम पद्माश्रित कर द्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। स्कंद माता यशस्विनी, स्कंद भगवान को गोदी में भगवती ली हुई है और उनके गोदी में है भगवान स्कंद, इसलिए स्कंद माता के नाम से जानी जाती है। माँ का सिंह वाहन है, चार भुजा है, गुलाबी वस्त्र धारण की हुई है, बड़ा ही सुंदर स्वरूप है। जहाँ भक्त ईशान कोण में कलश की स्थापना किए हैं वहां षोडशोपचार का पूजन कर भगवती को केला, माखन और मिश्री का भोग लगाएं और ओम ह्रीं स्कंद मात्रे नमः इस मंत्र का 11 माला निशारात्रि में यदि जप करेंगे सच्ची समर्पणता के साथ तो उनकी समस्त मनोकामना पूर्ण होगी। आज ही के दिन साधक के विशुद्ध चक्र का जागरण होता है और जिस जातक के कुंडली में गुरु की महादशा खराब होती है उनकी यदि भगवती की वो पूजन करते हैं, व्रत रहते हैं, आरती का दर्शन करते हैं तो उनके गुरु की भी दशा जो दुष्प्रभावी होती है वह सुप्रभावी हो जाती है और उनकी मनोकामना माता पूर्ण कर देती है। जय माँ विंध्यवासिनी।